नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। आज से 52 साल पहले एक शिक्षक राष्ट्रपति बने थे। ये शिक्षकों के लिए एक सम्मान की बात थी, बहुत बड़ा सम्मान, जिसकी याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। देश के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के मौके को इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यादगार बना दिया। शिक्षक दिवस पर देश भर के बच्चों को ऐसे 20 अनमोल मंत्र दिए जो उनके लिए सबसे बड़ी धरोहर बन सकते हैं। एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया। भारतीय लोकतंत्र की इस खूबसूरती की दीवानी तो पूरी दुनिया हो गई, लेकिन एक बच्चे ने जब यह पूछा कि वो कैसे पीएम बन सकता है, तो मोदी ने प्रधानमंत्री बनने का राज उस बच्चे को समझा दिया बेहद सिंपल तरीके से। सर, हाउ कैन आई बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सर? ২০২৪ के चुनाव की तैयारी करो। और इसका मतलब ये होगा कि तब तक मुझे कोई खतरा नहीं है। धन्यवाद सर। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें इतनी बड़ी सौगात दी है कि हिंदुस्तान की जनता का अगर आप विश्वास जीत लेते हैं, देश की जनता का प्रेम संपादन कर सकते हैं, तो हिंदुस्तान का कोई भी बालक इस जगह पर पहुंच सकता है। चीन में कहावत है, जो लोग साल का सोचते हैं वो अनाज बोते हैं, जो 10 साल का सोचते हैं वो फलों के वृक्ष बोते हैं, लेकिन जो पीढ़ियों का सोचते हैं वो इंसान बोते हैं। मतलब उसको शिक्षित करना, संस्कारित करना, उसके जीवन को तैयार करना, हमारी शिक्षा प्रणाली को जीवन निर्माण के साथ हम कैसे जीवंत बनाएं। मैं देश के गणमान्य लोगों से भी आग्रह करना चाहता हूं, आप डॉक्टर बने होंगे, वकील बने होंगे, इंजीनियर बने होंगे, आप मुझे बताइए, अगर हिंदुस्तान ने पढ़े लिखे लोग सप्ताह में एक पीरियड कितने ही बड़े अफसर क्यों न बने हो, वो जाकर के बच्चों के साथ बिताएं, उनको कुछ सिखाएं, आप मुझे बताइए, शिक्षा में मान लीजिए कहीं पर शिकायत है कि भाई अच्छे टीचर नहीं है, ये नहीं है, ठिकना नहीं है, इसको ठीक किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? अभी मैं 2 दिन पहले जापान गया था तो एक भारतीय परिवार मुझे मिला, लेकिन उनकी पत्नी जापानीज है, उनके पतिदेव इंडियन है। वो मेरे पास आए, बोले मुझे एक बात करनी। मैंने बताओ। तो बोले आपका 15 अगस्त का भाषण में सुना था, आप ये सफाई पर बड़ा आग्रह कर रहे हैं, हमारे यहाँ नियम है जापान में, हम सभी टीचर और स्टूडेंट मिल करके स्कूल में सफाई करते हैं, टॉयलेट वगैरह सब हम मिल करके सफाई करते हैं, और ये हमारा हमारे स्कूल में हमारे यानी चरित्र निर्माण का एक हिस्सा है, आप हिंदुस्तान में ऐसा क्यों नहीं कर सकते? मैंने 15 अगस्त को एक बात कही थी, मैंने कहा था इस वर्ष मेरी इच्छा है कि हम हमारे देश में जितने स्कूल्स हैं कोई स्कूल ऐसी ना हो कि जहां बालिकाओं के लिए अलग टॉयलेट ना हो। आज कई स्कूल ऐसी जहां बालिकाओं के लिए टॉयलेट नहीं है, कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां बालक भी के लिए भी नहीं, बालिका के लिए भी नहीं है। अब यूं तो लगेगा क्या ये कोई ऐसा कोई काम है क्या जो प्रधानमंत्री ने, लेकिन जब मैं डिटेल में गया तो मुझे लगा कि बड़ा महत्वपूर्ण काम है, करने जैसा काम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाकई गुरु मोदी बन गए। उन्होंने बच्चों को कुदरत से जोड़ा तो ये भी सिखाया कि कंप्यूटर और टैबलेट के दौर में भी वो पसीना बहाना न भूलें, क्योंकि जिंदगी को मेहनत ही संवारती है। अच्छा, आप में से कितने बालक हैं जिनको दिन में 4 बार भरपूर पसीना निकलता है शरीर में से?
कितने हैं? नहीं है ना? देखिए, जीवन में खेलकूद नहीं है तो जीवन खिलता नहीं है। ये उम्र ऐसी है, इतना दौड़ना चाहिए, इतनी मस्ती करनी चाहिए, इतना समय निकालना चाहिए, शरीर में कम से कम 4 बार पसीना निकलना चाहिए, वरना क्या बन जाएगी जिंदगी आपकी? करोगे? पक्का? क्योंकि देखिए, वरना क्या, आप तो किताब, टीवी और कभी कंप्यूटर, इस दायरे में जिंदगी नहीं दबनी चाहिए। कुछ लोगों को लगता है भाई, देश सेवा मतलब देश के लिए मरना, या देश सेवा मतलब सिर्फ राजनेता बनना, ऐसा नहीं है। हम मानो बिजली बचाओ, बिजली बचाने का विषय, बिजली कम उपयोग में हो, बिजली बर्बाद ना हो, ये कर सकते हैं। आप अगर अपने घर में बिजली बचाते हो तो आपके घर में तो लाभ होगा ही होगा, लेकिन किसी के गरीब के घर में बिजली का दिया जलेगा, ये बहुत बड़ी देश सेवा। देखिए, आज छोटे छोटे बालक भी क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट चेंज की चर्चा कर रहे हैं। ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए हैं, हम बदल गए हैं, हमारी आदतें बदल गई हैं, हमारी आदतें बिगड़ गई हैं, और उसके कारण पूरे पर्यावरण का हमने नुकसान किया है। अगर हम बदल जाएं तो वो तो बदलने के लिए तैयार ही है। ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था रखी है कि संतुलन तुरंत हो जाता है, लेकिन अगर उसकी पहली शर्त है मनुष्य प्रकृति से संघर्ष न करे, मनुष्य प्रकृति से प्रेम करे। मेरा विद्यार्थियों से आग्रह है, जिसका भी आपको पसंद हो, जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए। जीवन चरित्र पढ़ने से हम इतिहास के बहुत निकट जाते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति के संबंध में जो लिखा जाता है उसके नजदीक के इतिहास को हम भलीभांति जानते हैं। और जरूरी नहीं है कि एक ही प्रकार के जीवन को पढ़े, किसी खेलकूद में किसी कोई आगे बढ़ा है और उसका जीवन चरित्र है तो वो पढ़ना चाहिए, सिने जगत में किसी ने प्रगति की है उसका जीवन पढ़ने को मिलता है तो वो पढ़नी चाहिए, व्यापार जगत में किसी ने प्रगति की है उसका जीवन चरित्र मिलता है तो उसको पढ़ना चाहिए, साइंटिस्ट के रूप में किसी ने काम किया है तो उसका जीवन पढ़ना चाहिए। वरना आजकल तो आप लोगों को वो आदत है कि नहीं, बजाय पता नहीं, हर काम गूगल गुरु करता है, कोई भी सवाल है गूगल गुरु के पास चले जाओ, इंफॉर्मेशन तो मिल जाती है, ज्ञान नहीं मिलता है, जानकारी नहीं मिलती है। और इसलिए हम सब उस दिशा में प्रयास करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के लाखों बच्चों से अपना ज्ञान बांटा, लेकिन असली ज्ञान तो उनकी उस चाहत में छुपी है जो आज पूरे देश से साझा किया। मोदी चाहते हैं कि हिंदुस्तानी बच्चे दुनिया के शिक्षक बने, वैसे भी भारत में जगत गुरु रहने की परंपरा रही है। एक वैश्विक परिवेश में ऐसा माना जाता है कि सारे दुनिया में अच्छे टीचरों की बहुत बड़ी मांग, भारत युवा देश है, क्या भारत ये सपना नहीं दे सकता है? हमारे देश से बहुत ही उत्तम प्रकार के टीचर हम एक्सपोर्ट करेंगे, और आज जो बालक है उसके मन में इच्छा नहीं जगा सकते कि हाँ मैं भी एक अच्छा टीचर बन के देश और समाज के लिए काम आऊंगा। दुनिया में समृद्ध से समृद्ध देश भी एक बात पर बल दे रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट, कि हमारे पास डिग्री हो उसके साथ साथ हाथ में हुनर होना बहुत जरूरी है, स्किल होना बहुत जरूरी है। और इसलिए हर बालक के व्यक्तित्व के विकास के साथ उसको स्किल डेवलपमेंट का अवसर मिलना चाहिए। टेक्नोलॉजी का महत्व बहुत बढ़ रहा है, मैं सभी शिक्षकों से आग्रह करता हूं, कुछ अगर हमें सीखना पड़े तो सीखें, भले हमारी आयु 40, 45, 50 पर पहुंची हो, लेकिन हम सीखें। और हम जिन बालकों के साथ जी रहे हैं, जो कि आज टेक्नोलॉजी के युग में पल रहा है, बढ़ रहा है,
उसे उसे वंचित न रखें। अगर हम उसे वंचित रखेंगे तो ये बहुत बड़ा क्राइम होगा, इससे सोशल क्राइम। हमारी कोशिश होनी चाहिए वो आधुनिक विज्ञान टेक्नोलॉजी से हमारे बालक जुड़े। और जब मैं डिजिटल इंडिया की बात कर रहा हूं तो मेरा आग्रह है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी हमारे छात्रों तक पहुंचे और सभी भाषाओं में पहुंचे और वो उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का लाभ लेते हुए, इंटरनेट का लाभ लेते हुए, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का लाभ लेते हुए उनको आदत लगे नई नई चीजें खोजने की, देखने की, पढ़ने की, समझने की। अगर आपको सही शिक्षा नहीं मिली है तो अनुभव भी आपको बर्बाद करने का कारण भी बन सकता है या आगे बढ़ने का अवसर ही बन सकता है। और इसलिए अनुभव उत्तम शिक्षक है स्वीकारने के बावजूद भी मैं मानता हूं कि आपकी शिक्षा संस्कार कैसे हुए हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आपका अनुभव कैसे काम आता है। जैसे मान लीजिए कोई पिक पॉकेटर आप बस में जा रहे हो और जेब काट लिया, पैसे ले गया, अभी आपका अनुभव हुआ। अगर आपकी शिक्षा सही नहीं है, संस्कार सही नहीं, तो आपको विचार यह आएगा, अच्छा देखो बिना मेहनत वो तो रुपये कमा लिया, चलिए मैं भी उस रास्ते पर चल पड़ू। अगर आपकी शिक्षा अच्छी है, संस्कार अच्छे हैं, सोच अच्छी है, तो विचार आएगा अच्छा तो मैं अलर्ट नहीं रहा, मैंने सही ठिकाने पर पैसे रखे नहीं थे, मुझे जितना जागरूक रहना चाहिए नहीं रख रहा था और उसके कारण मेरे पैसे चले गए। तो वो एक ही चीज से दो अनुभव लिए जा सकते हैं, लेकिन अनुभव लेने का आधार वो बनता है कि आपकी शिक्षा कैसी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों को बताया कि उन्हें काम करने में, खूब काम करने में बहुत मजा आता है, लेकिन वो चाहते हैं कि बच्चे मेहनत तो करें लेकिन बचपन की कीमत पर नहीं। देखिए मैं टास्क मास्टर तो हूं, मैं काम खुद भी बहुत करता हूं और काम खूब लेता भी हूं और समय पे काम हो इसका आग्रही भी, और शायद मैं इतना डिसिप्लिन ना होता और मैंने शायद खुद से भी इतना ही काम लिया है। ऐसा नहीं कि मैं अपने लिए तो सब रिलैक्सेशन रखता हूँ और औरों के लिए सारे बंधन डालता हूँ, ऐसा नहीं है। और इसलिए मैंने 15 अगस्त को सार्वजनिक रूप से हमारे सरकारी अफसरों को कहा था, अगर आप 11 घंटे काम करेंगे तो मैं 12 घंटे को तैयार हूँ, अगर आप 12 घंटे काम करें तो मैं 13 घंटे काम करने को तैयार हूँ। तो उस रूप में मैं काम करता हूँ। कभी कभी तो मुझे चिंता होती है कि बचपन बहुत तेजी से मर रहा है, ये बड़ी चिंता का विषय है। समय से पहले वो कुछ अलग ही सोचने लग जाता है, उसका बालक अवस्था जो है वो दीर्घकालीन रहनी चाहिए, वो शरारतें होनी चाहिए, वो मस्ती होनी चाहिए, ये जीवन विकास के लिए बहुत जरूरी होती है। पहले तो पॉलिटिक्स को प्रोफेशन नहीं मानना चाहिए। इको हो रहा है जरा, कोई माइक को ठीक करें। पॉलिटिक्स को प्रोफेशन नहीं मानना चाहिए, इसे एक सेवा के रूप में स्वीकार करना चाहिए और सेवा का भाव तब जगता है जब अपनापन होता है। अपनापन नहीं होता तो सेवा का भाग नहीं जगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोचा न था कि एक दिन वो भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन बच्चों को ये बताना नहीं भूले कि देश सेवा से ज्यादा सुख किसी पद में नहीं। अगर टीचर के रूप में मैं देखूं तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए स्टूडेंट में, उसकी एबिलिटी के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। सभी पालक, अगर 30 पालकों का क्लास है, 30ों को अपना मानना चाहिए। टीचर का काम होता है उसकी अच्छाइयों को समझना, उसको तराशना। हम राष्ट्र निर्माण को एक जन आंदोलन में परिवर्तित करें, हर किसी की शक्ति को जोड़ें,
हम ऐसा देश नहीं है कि जो किसको इतना पीछे रहने की जरूरत है, हम बहुत आगे जा सकते हैं। और इसलिए हमारा राष्ट्रीय चरित्र कैसा बने, इस पर हम लोगों का कोई एम्फेसिस होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए, और हम सब मिलकर के करें, इसको किया जा सकता है। एक शिक्षक राष्ट्रपति बने, शिक्षकों की इज्जत बढ़ गई, लेकिन असली इज्जत तो तब बढ़ेगी जब एक राष्ट्रपति अपना पद छोड़कर शिक्षक बन जाए। त्याग और तपस्या के इस देश में उस दिन का इंतजार है। विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।